हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है। कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल में क्या करेंगे, उसका ब्रेकडाउन करेंगे और उसका डाइजेशन करवाएंगे। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। माउथ से कैसे स्टार्ट होगी, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को हम अपने माउथ में रखें यानी बकल कैविटी में, हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि सलाइवा का सीक्रेशन करता है। सलाइवरी एमाइलेज, अल्फा एमाइलेज, टाइलिन, ये सब का क्या होता है, सीक्रेशन होता है। ये सब एक ही नाम है, अल्फा एमाइलेज या टाइलिन, वो उसका एक ही नाम है, ठीक है। तो हम ये क्या करते हैं, इसका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जब हम क्या करें, माउथ में हम स्टार्च को रखें तो इसका सलाइवा यहाँ से क्या हुआ, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा, सलाइवरी एमाइलेज का सीक्रेशन हुआ, अल्फा एमाइलेज या इसको हम टाइलिन भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम, इसका क्या हो गया, सीक्रेशन हुआ। और इसके सीक्रेशन होने से मेरा जो स्टार्च है वो छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो गया। वो पार्टिकल है मल्टोज, अल्फा डेक्सट्रीन, प्राइम मल्टोज, इस चीज में क्या हो गया, ये ब्रेक डाउन हो गया ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल में। और यहाँ पर माउथ में जो हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है वह 30-50% क्या होता है, उसका डाइजेशन हो जाता है हमारे माउथ में, ठीक है। उसके बाद ये हमारे माउथ में इसका डाइजेशन हुआ, उसके बाद ये ओसोफेगस से होते हुए वो हमारे स्टोमक में आया। स्टोमक के अंदर हमारा ऐसा कोई एंजाइम नहीं होता है जो हमारे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सके। तो सपोज करिए हम यहाँ पे बनाते हैं, ये हमारा स्टोमक है, इसमें कोई ऐसा एंजाइम नहीं है, इसमें जब कार्बोहाइड्रेट आया, दैट मींस मल्टोज, अल्फा डेक्सट्रिन, ट्राइमल्टोज, जब इसमें आया तो ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो इसको डाइजेस्ट कर पाए। तो यहाँ से क्या होगा, ये हमारे ये जो जितने कार्बोहाइड्रेट के पार्टिकल है ये हमारे ड्यूओडेनम में आएंगे। और ड्यूओडेनम में बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, मेरा पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक एमाइलेज और बहुत सारा इसमें क्या होता है, एंजाइम हमारे पेनक्रियास से निकलता है जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करने में काफी हेल्पफुल होता है। साथ साथ हमारा जो गॉल ब्लैडर जो है, हमारा जो बाइल को स्टोर करती है लेकिन बनाती है लीवर, बाइल लीवर हमारा बाइल का फॉर्मेशन करता है लेकिन स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से क्या होता है, बाइल जूस का सीक्रेशन होता है और फिर यहाँ पे ही आता है, हमारे ड्यूओडेनम में आता है। और ये जब हमारा कार्बोहाइड्रेट का पार्टिकल, जो ब्रेकडाउन पार्टिकल है जो हमारा ड्यूओडेनम में आया, तो यहाँ से पेनक्रियाटिक लिख सकते हैं, यहाँ पे पेनक्रियाटिक अमाइलेज या पेनक्रियाटिक एंजाइम जब क्या हुआ, यहाँ से निकला, इससे निकला और बाइल जूस इधर से आई और तो क्या हुआ, हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ। तो क्या यहाँ पे क्या हो गया, ये जितने भी पार्टिकल हैं, कुछ पार्टिकल ऐसे ही रह जाएंगे जो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे, मल्टोज, अल्फा डेक्सट्रिन, ये सारे जो है इसका छोटे छोटे फॉर्म में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसके बाद बेसिकली क्या होगा, और प्लस अदर इसका फिर और ब्रेक डाउन होगा इसका, ठीक है। तो इस चीज का क्या हो गया, हमारा ब्रेकडाउन हो गया। उसके बाद ये जो ड्यूओडेनम से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी ड्यूओडेनम भी स्मॉल इंटेस्टाइन की ही पार्ट है लेकिन ये फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद ये कहा जाता है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे बड़ा पार्ट है उसको हम इलियम बोलते हैं। उसके बाद ये कहा जाता है इलियम में। इलियम में जाने के बाद हमारा जितने भी ये जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है ये हमारे इलियम में जाते हैं और इलियम में भी कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो इसको डाइजेशन करने में काफी हेल्प करते हैं। तो उसका इलियम में जाकर के इसका मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया ये इलियम में। इलियम में आने के बाद ये सारे चीज का क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। उस समय इसका जो पीएच होगा 8.5 होगा, 8.5 होगा, ठीक है। उसके बाद ये सारा जो है अपना ब्रेकडाउन हो जाएगा, जैसे इसमें हो गया आपका मल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, ये सारे छोटे छोटे पार्टिकल में और ब्रेकडाउन हो गए, ठीक है, प्लस अदर इसका ब्रेकडाउन हो गया। तो हम इसको हम एक फ्लो चार्ट से समझते हैं कैसे हुआ। सबसे पहले हमने क्या किया था कि हम माउथ में यानी बकल कैविटी में यहां पे लिखते हैं, बकल कैविटी में हम क्या रखे, स्टार्च रखे थे यानी कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे कहा गया सलाइवरी, यहाँ से क्या चीज का सीक्रेशन हुआ, अल्फा एमाइलेज सलाइवरी ग्लैंड से, उसके बाद वही चीज हुआ टाइलिन, एक ही चीज है। उसके बाद इसका सीक्रेशन होने के बाद ये छोटे छोटे
मॉलिक्यूल में टूट गया। उसी चीज को हम समझ रहे हैं एक चार्ट से, अल्फा डेक्सट्रीन ट्राइमल्टोज। इस चीज में क्या हो गया, इसका ब्रेकडाउन हो गया। यहां पर जो डाइजेशन हुआ कितना हुआ, 30-50% इसका डाइजेशन हुआ, ठीक है। जो इस समय जो इसका पीएच रहेगा, जब हमारे माउथ में जब हमारा कार्बोहाइड्रेट रहेगा तो उसमें इसका पीएच रहेगा 6.8 पीएच रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये कहा हो जाए, कहा हम पहले देखे थे कि स्टोमक में ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो हमारे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर गया। उसके बाद ये कहा जाएगा इलियम मिल जाएगा, डियोडेना मिल जाएगा। तो हमारे क्या बोलते हैं, स्टोमक से पास हुई कहा आएगा इलियम में, सॉरी डियोडेना में। तो डियोडेना में, डियोडेना में आने के बाद क्या मिलता है इसको, पेनक्रियाटिक जूस मिलता है, उसके बाद बाइल जूस मिलता है, ये सारे कहा जाता है ड्यूओडेनम में। ड्यूओडेनम में जाने के बाद ये जितने भी पार्टिकल है ये क्या हो जाते हैं, और छोटे छोटे पार्टिकल में इसका ब्रेकडाउन होता है, जैसे मल्टोज, सुक्रोज, ट्राइमल्टोज और प्लस अदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल में इसका क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। उसके बाद ये ड्यूओडेनम से कहा जाता है इलियम में, जितने भी प्रोडक्ट है ये हमारे कहा जाएंगे इलियम में। तो कहा गया इलियम में, इलियम में आने के बाद क्या होता है इसका, उस समय जो इसका पीएच रहेगा इलियम में 8.5 रहेगा। इलियम में भी कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होती है मतलब कि जूस का सिग्रेशन होता है। उसके बाद सक्कस एंटेरिकस जो होता है, इस सब एंजाइम है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होती है, सिग्रेशन करती है, जो हमारे प्रोटीन लिपिड ये सब को डाइजेस्ट करने में काफ़ी हेल्प करती है, ठीक है। तो हमारे इलियम में जितने भी मॉलिक्यूल है ब्रेकडाउन हुआ, हमारे इलियम में आ गए और इलियम से क्या हुआ, हमारे ये छोटे छोटे और पार्टिकल में बन गए, जैसे मल्टोज तो है ही छोटा पार्टिकल, उसका सुक्रोज हो गया, तो सब कुछ ऐसे पार्टिकल है जो कुछ ऐसे ही पूरी तरह से उधर ही डाइजेशन हो गया। पूरा जो बेसिकली जो मेन डाइजेशन होता है वो हमारे ड्यूओडेनम में ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस एक ऐसा है जो हमारे क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद सुक्रोज हो गया, उसके बाद लैक्टोज, यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेकडाउन हो गए, ग्लूकोज लिख सकते हैं, क्या हो गया प्लस अदर, ये सब छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेकडाउन हो गया। उसके बाद ये एब्जॉर्ब हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में और जितने भी कुछ अनवांटेड भी है जो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए हमारे इंटेस्टाइन से बाहर चला गया। ये क्या था, हमारे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और एक चीज नोट में हम एक चीज बता रहे हैं कि जो सेलुलोज जो होता है, नोट में यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एक सेलुलोज है, सेलुलोज एक ऐसा सेलुलोज एक ऐसा क्या है, फूड है, जो ह्यूमन बींग्स में अभी तक इसका कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाए, कोई ऐसा एंजाइम हमारे ह्यूमन बॉडी में नहीं है अभी कि हमारे सेलुलोज का डाइजेशन हो। इसलिए कहा जाता है कि सेलुलोज जो है वह हमारे ह्यूमन बींग्स का ये फूड नहीं है। तो हम इसमें क्या देखें कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इस वीडियो में। थैंक यू, हम अगले वीडियो में प्रोटीन का डाइजेशन देखेंगे, लिपिड का डाइजेशन देखेंगे। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।